गाइस वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं कि इंस्टाग्राम का अकाउंट कैसे परमानेंट डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको परमानेंट डिलीट करते टाइम पासवर्ड मांगता है तो उस पासवर्ड को भी हम कैसे पता कर सकते हैं वो मैं इस वीडियो में टोटल बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एकदम देखते रहिए ध्यान से। इन स्टेप को मैं करने वाला हूँ, उस स्टेप को आपको सिर्फ फॉलो करना है। यहाँ पर सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपने इंस्टाग्राम पे। यहाँ पर इंस्टाग्राम में मेरे पास ये देख सकते हो, लाइक मैंने इसे ओपन किया और इसे अभी हम लोग डिलीट करने का जो प्रोसेसर है वो स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पर आपको नीचे एक यहाँ पर आपको लोगो दिखेगा आपका। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मेन्यू बार बहुत यार ग्लिच हो रहा है अभी, तो यहाँ पर मेन्यू बार नहीं दिखेगा, तो आपको सिंपल से इसे थोड़ा सा स्वाइप करना है और ये मेन्यू बार आ जाएगा। थ्री डॉट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। आप यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, तो इनमें से यहाँ पर अकाउंट क्रिएट का जो ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है, इस अकाउंट क्रिएट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। अब इतना ही करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। सिंपल से डिलीट करने के लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पर्सनल डिटेल्स का, इस पर्सनल डिटेल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। आप पर्सनल डिटेल्स वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करते हो, यहाँ के बाद आपको करना क्या है, सीधा नीचे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। अब नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पर नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, डीएक्टिवेट। ओके, एंड यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अकाउंट शो होंगे कि आपको कौन सा अकाउंट यहाँ पर डिलीट करना है। तो आपको जो अकाउंट डिलीट करना है ना, उस अकाउंट पे आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम का अकाउंट डिलीट करना चाहता हूँ, यहाँ पर क्लिक करूंगा। एंड लेट्स सी, यहाँ पर दो चीज़ें आते हैं कि आपको यहाँ पर डीएक्टिवेट का दो ऑप्शन मिलता है दोस्तों। अब यहाँ पर सबसे पहले तो डीएक्टिवेट है। डीएक्टिवेट यहाँ पर ये ऑप्शन ये है कि अगर आप कभी भी वापस लाना चाहते हो इस आईडी को, तो आपको यहाँ पर सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। एंड लेट्स सी, अगर आपको परमानेंट डिलीट करना है, ऑब्वियसली आपको परमानेंट डिलीट करना है, तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हो। अब यहाँ पर हमें परमानेंट डिलीट करना है, नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं और इसमें आप चकरा जाते हो कि यार हमें करना क्या है। सिंपल से कुछ करना नहीं है, यहाँ पर ये रीजन पूछ रहा है कि आप क्यों डिलीट करना चाह रहे हो, इंस्टाग्राम अकाउंट को क्यों डिलीट करना चाह रहे हो ये। ठीक है, तो आपको सिंपल से यहाँ पर नीचे वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पर क्लिक करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब इतना करते हैं, यहाँ पर आपको जो है अपना पासवर्ड मांगेगा। भाई यही पर सभी बंदे का दिक्कत हो जाता है क्योंकि उनको पासवर्ड मालूम ही नहीं है। चलो मैं बताता हूँ कि आप पासवर्ड कैसे पता कर सकते हो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर सेटिंग पे आना है। ठीक है, यहाँ पर सेटिंग में आने के बाद सबसे नीचे जाना। सबसे नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा गूगल का। गूगल के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। अब गूगल के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करते हो, देखो क्या होता है। ठीक है, ऑल सर्विस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर आपको एक ऑटो फिल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर फिर से ऑटो फिल विथ गूगल यहाँ पर आपको मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना है। एंड यहाँ पर आपको लेना है पासवर्ड कैसे लेना है, तो यहाँ पर गूगल पासवर्ड मैनेजर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए इस पर क्लिक कर लेना है। अब गूगल पासवर्ड मैनेजर पर आपने क्लिक किया, अब यहाँ पर क्या है कि आपको यहाँ पर इंस्टाग्राम का यहाँ पर अकाउंट दिखा रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है। फिंगर टैप में दे देता हूँ, फिंगर यहाँ पर मैंने दे दिया। अभी दोस्तों यहाँ पर देखिए तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि आपका पासवर्ड, ये देखो ये यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड आपको दिखा दिया। अब इस पासवर्ड को हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद सीधा जाएंगे यहाँ से इंस्टाग्राम पे, ये रहा हमारा इंस्टाग्राम। एंड लेट्स सी, इंस्टाग्राम पे आने के बाद इसको यहाँ पर से पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद अब क्या करेंगे भाई, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कई बार क्या होता है कि अगर आप लोग राइट पासवर्ड भी डाल रहे हो, मतलब आपका एकदम पासवर्ड कन्फर्म है कि भाई यही पासवर्ड है, अगर आप डाल रहे हो तो वो पासवर्ड आपको ले नहीं रहा है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या करना है, सिंपल से हम लोग नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर, ये देखो यहाँ पर नीचे फॉरगेट पासवर्ड लिखा हुआ है, इस पर आपको सिंपल से क्लिक कर लेना है। ठीक है, अब जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर आपको सेंड कर दिया जाएगा ईमेल पे, जीमेल पे आपको एक लिंक आएगा, उस लिंक से यहाँ पर आपको पासवर्ड को रीसेट करना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो इंस्टाग्राम वाले ने मुझे भेज दिया है, हम लोगों ने जो फॉरगेट पासवर्ड क्लिक किया था तो इंस्टाग्राम वाले ने आप मुझे मैसेज भी भेजा है कि आप यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करो और आपका पासवर्ड जो है चेंज हो जाएगा। अब सिंपल से इसी के ऊपर हम क्लिक कर लेंगे। अब इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए किस तरीके का ऑप्शन आता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा न्यू पासवर्ड क्रिएटिंग का, तो यहाँ से आप एक पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर आपको ऊपर लिखा हुआ है का क्रिएट ए पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं आपके सामने एक अच्छा सा पासवर्ड।
स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ताकि यार कोई इसे एक्सेस ना कर पाए। ठीक है, लड़कों ने पासवर्ड क्रिएट कर लिया, सीधा से यहाँ पर रीसेट पासवर्ड पे क्लिक कर रहा है। अब रीसेट पासवर्ड पे आप जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पर जो आपका पासवर्ड है वो रीसेट होके एक नया पासवर्ड क्रिएटिंग हो जाएगा जो यहाँ पर आपने सेट किया है। अब इस पासवर्ड को सेट करने के बाद हम इस पासवर्ड को डालेंगे कहाँ, इसे डिलीट अकाउंट करने के टाइम। ओके, लेट्स सी फाइंड आउट। फटाफट से हम लोग जाते हैं और इसे सेव कर लेते हैं। अब जाते हैं फटाफट से हम लोग अपने अकाउंट पे एड, वहाँ से हम लोग डिलीट करना आपको बताते हैं। तो फटाफट से मैं निकलता हूँ गाइस, आपको तो पहले ही पूरा प्रोसेसर मैंने बता दिया है कैसे डिलीट करना है और कैसे पासवर्ड देखना है। अगर वो मेथड नहीं काम कर रहा है तब ये वाला मेथड अब काम करेगा। मैं आ चुका हूँ फिर से यहाँ पर पासवर्ड देने के जगह पे। अब यहाँ पर हमें जो पासवर्ड है वो क्रिएट, जो पासवर्ड हम लोगों ने डाला था उस पासवर्ड को यहाँ पर एंटर करना है। ठीक है, तो फटाफट से हम लोग यहाँ पर एंटर करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने एक नया पासवर्ड क्रिएट किया है, तो देखते हैं कि ये नया पासवर्ड ले पाता है या नहीं। तो फटाफट से कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। लेट्स सी गाइस, हम लोग को यहाँ पर कम्प्लीटली पूरा यहाँ पर एक्सेस हो चुका हुआ है एंड यहाँ पर हमारा जो मेथड है वो यहाँ पर काम कर गया। अब यहाँ पर क्या करना है कि आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर कंफर्म परमानेंट अकाउंट डिलीटिंग का ऑप्शन आ चुका हुआ है। यहाँ से अगर आप लोग क्लिक करते हो तो आपका अकाउंट परमानेंटली डिलीट कर दिया जाएगा, बट आप उसे 30 दिनों तक लॉग इन मत करना अगर परमानेंट डिलीट करना चाहते हो तो। ये ऐसा खुद यहाँ पर इंस्टाग्राम वाला देता है, क्योंकि अगर आपका गलती से भी डिलीट हो गया है तो आप उसे वापस ले सकते हो। चलिए फटाफट से डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक किया, आप देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमें मिलता है। लेट्स सी दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा अकाउंट है वो पूरा तरीके से डिलीट हो चुका हुआ है। आपके सामने मैंने अपना जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो पूरा तरीके से डिलीट कर लिया। डिलीट करने के बाद यहाँ पर देखिए कुछ इस टाइप का ऑप्शन आ चुका है। अगर यार वीडियो पसंद है ना मेरे भाई, प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक का बटन फटाफट से दबा दो, क्योंकि इस तरीके का वीडियो अभी तक कोई दिया नहीं होगा। यहाँ पर तीन तीन मेथड मैंने एक ही वीडियो में बता दिया, तो बस लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी वीडियो बनाने का मन करे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।